Hello everybody, this is your host Asif Taj and welcome back to the Tech Brothers. आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी सर प्लीज मेक अ ट्यूटोरियल्स ऑन गेटएक्स और गेटएक्स आपको पता है कि बहुत ही फेमस स्टेट मैनेजमेंट और डिपेंडेंसी इंजेक्शन की एक जबरदस्त किस्म का टूल है, ठीक है, और वाइडली यूज स्टेट मैनेजमेंट है और मोस्ट फेवरेट डिपेंडेंसी है या पैकेज है ऑन pub.dev. अब आप ऑब्वियसली मुझे कह रहे हैं गेटएक्स सिखाएं तो इट मींस यू आर फेमिलियर विद फ्लटर, यू आर फेमिलियर विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो मैंने आप लोगों के साथ एज यूजुअल कहा था कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और जब मैं आपको सिखाऊंगा तो इट विल बी अ सुपर डुपर मास्टर ब्लास्ट जस्ट लाइक माय प्रोवाइडर सीरीज, जहां मैंने आप लोगों को कंप्लीट सिखाया था. जितने लोगों ने प्रोवाइडर सीरीज सीखी है नाउ दे डोंट वांट टू लर्न गेटएक्स, ठीक है, बट बहुत सारे लोग हैं जो कि गेटएक्स को पसंद करते हैं और गेटएक्स इजी है. गेटएक्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि प्रोवाइडर प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, प्रोवाइडर प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन इसलिए गेटएक्स को लोग पसंद करते हैं. तो सुपर इजी है, सेकंड बहुत ही जबरदस्त किस्म की उसकी सपोर्ट है, थर्ड गेटएक्स जो है ना उसको हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं. वन इज स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें. इसके अलावा आप मेरी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. लिंक्डइन के ऊपर सपोर्ट, लिंक्डइन के ऊपर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो वापस आते हैं गेटएक्स के ऊपर. तो ये क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो तो मैंने सोचा मैं आपको रूट मैप के बारे में बताना चाहूँ. वेल गेटएक्स को ना हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, वन एज अ स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है, एक स्टेट मैनेजमेंट का टूल है, एक डिपेंडेंसी है, एक पैकेज है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप फ्लटर में स्टेट को मैनेज करें, ठीक है. और एज यू गाइस नो के फ्लटर इज स्टेट रिएक्टिव, ठीक है, आपको स्टेट्स को कंट्रोल करना पड़ता है, आपको उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, आपको उनको रिएक्टिव बनाना पड़ता है यूआई के लिए, ठीक है. एक बिल्ट इन आपके पास चीज बिल्ट इन फंक्शन आते हैं जिसको हम सेट स्टेट करते हैं बट वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है. एंड देन आपके पास कुछ थर्ड पार्टी सर्विसेज आ जाती हैं जिसमें मोस्ट फेमस जो हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट की टूल्स हैं या डिपेंडेंसीज हैं जो पैकेजेस हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है ब्लॉक, देन प्रोवाइडर एंड देन गेटएक्स. और इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं जिनको मोस्टली कम्युनिटी में नहीं पूछा जाता. ये टॉप थ्री स्टेट मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं जो कि यूज होती हैं. प्रोवाइडर ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, गेटएक्स सिखाऊंगा और हम लोग बात कर रहे थे कि गेटएक्स को हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं. तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में हम गेटएक्स को ना दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं. फर्स्ट, आपके पास कुछ गेटएक्स यूटिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्नैक पर यूज करनी है तो आप फ्लटर में आप अपना कस्टम यूज कोड यूज करेंगे, बट अगर आप गेटएक्स यूज कर रहे हैं तो आप सिंपली गेट डॉट स्नैक बार लिखना और स्नैक बार आपके पास शो हो जाएगी. अगर आपको टोस्ट मैसेजेस शो करने हैं तो आप एक अलग पैकेज ऐड करेंगे अपनी फ्लटर एप्लीकेशन में फ्लटर टोस्ट के नाम से एंड देन आप टोस्ट मैसेज का फंक्शन लिखेंगे एंड देन आप उसको शो करवाएंगे. बट दैट्स नॉट द केस विद द गेटएक्स. आप जस्ट गेट डॉट टोस्ट मैसेज लिखेंगे, आपके पास टोस्ट शो हो जाएगा, ठीक है. सिमिलरली और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं जो कि आपको गेटएक्स प्रोवाइड करता है एज अ यूटिलिटीज क्लास, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आप गेटएक्स के साथ डायलॉग अलर्ट्स इजीली क्रिएट कर सकते हैं. आप ये चेक कर सकते हैं क्या ईमेल वैलिड है या नहीं, वो भी गेटएक्स के साथ, आपको कस्टम कोड करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछे, क्या हमें गेटएक्स को डिपेंडेंसी इंजेक्शन के तौर पर या इस तरह की यूटिलिटीज क्लासेस को यूज करना चाहिए, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप थर्ड पार्टी सर्विसेज को यूज करें एज अ यूटिलिटीज क्लास. आप अपना कस्टम कोड करें, क्योंकि कस्टम कोड जो होता है वो इजीली मॉडिफाइबल होता है. जबकि आप गेटएक्स की जो डिपेंडेंसीज हैं या गेटएक्स के जो पैकेजेस हैं, इट्स नॉट दैट मच इजी कि आप उसको जाके नेटिव लैंग्वेज पे चेंज करें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली. तो बेस्ट ये है कि आप हमेशा अपने लिए यूटिलिटीज क्लासेस को खुद डिजाइन करें, जो कि एवेंचुअली मैं आपको इस कोर्स के अंदर सिखाऊंगा, ठीक है. एक है तो ये थी यूटिलिटीज का पास, जो कि आपको ये कुछ यूटिलिटीज या रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जिनको आप इजीली यूज कर सकते हैं. और गेटएक्स जो मोस्ट फेमस है वो इसकी राउटिंग टेक्निक के लिए. अगर आप कस्टम कोड लिखते हैं एक स्क्रीन से शिफ्ट होने के लिए दूसरी स्क्रीन के ऊपर तो वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, जबकि गेटएक्स ने उसको सम अप कर दिया, जस्ट गेट डॉट टू और देन आप क्लास का नेम दे और उस क्लास के ऊपर आप इजीली चले जाते हैं.
ठीक है, या आपने वापस आना तो आप कहते हैं गेट नेविगेटर डॉट पॉप और उसको आप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, बट आप गेटएक्स में जस्ट गेट डॉट ऑफ करते हैं वो बैक चला जाता है। ठीक है, इस तरह से और बहुत सारे गेटएक्स की फीचर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मीडिया क्यूरी यूज करनी हो तो आप यूज करते हैं मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट हाइट एंड देन आप उसको कुछ हाइट प्रोवाइड करते हैं, बट दैट्स नॉट द केस विद द गेटएक्स। गेटएक्स आपको सिंपली कहता है गेट डॉट हाइट, ठीक है, गेट डॉट हाइट और आप उसको हाइट प्रोवाइड करेंगे एंड दैट्स इट, या गेट डॉट विड्थ और आप उसको विड्थ प्रोवाइड करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो मुझे पर्सनली ये फील होता है कि गेटएक्स इटसेल्फ अब एक फ्रेमवर्क बनता जा रहा है जो कि फ्लटर के साथ वन वे और अदर वे इंटीग्रेट है या नहीं इंटीग्रेट, तो जो गेटएक्स की अपनी टीम है वो इट्स स्मार्ट इनफ जो कि फ्लटर से चीजों को पिक करता है, अपनी इस पैकेज के अंदर इंटीग्रेट करता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन करता है, देन आपको उसके अगेंस्ट कुछ फीचर्स प्रोवाइड कर देता है। अगेन मैं इसके अगेंस्ट हूँ और कम्युनिटी में बहुत ज्यादा जो डेवलपर्स हैं वो इसके अगेंस्ट हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी इंजेक्शन ठीक नहीं है, लेकिन मैं स्टिल आपको सिखाऊंगा और ये बहुत ज्यादा फेमस स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक है और बहुत ज्यादा लोग इसको यूज भी कर रहे हैं। अगर आप कम्युनिटी में पूछेंगे तो 70% लोग गेटएक्स को यूज कर रहे हैं। तो ये तो कुछ था यूटिलिटी स्पेस, देन आ जाता है स्टेट मैनेजमेंट। और जिस तरह आपको पता है स्टेट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लिस्ट है जिसके उस लिस्ट के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10,000 पोस्ट है, ठीक है, एंड आप उस एक पोस्ट को आप लाइक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने लाइक बटन प्रेस किया, अगर आप सेट स्टेट को यूज करते हैं तो व्हाट विल हैपन, आपका फुल विजिट ट्री रीबिल्ड हो जाता है। अब उस विजिट ट्री के अंदर आपके पास 10,000 पोस्ट हैं, व्हाट डज इट मींस कि आप तो एक पोस्ट को लाइक कर रहे हैं ना, एक विजिट को लाइक कर रहे हैं, बट आपके पास 10,000 विजिट्स रीबिल्ड हो रहे हैं, नाउ दैट इज रियली 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 कॉस्टली, ठीक है, और आपकी रैम को ये कंज्यूम करेगा और आपकी ऐप परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी, दैट्स व्हाई वी यूज स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो गेटएक्स हम इस पर्पस के लिए यूज करेंगे और इस वजह से आपको स्टेट मैनेजमेंट सीखनी चाहिए। या फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक टाइमर है, ठीक है, टाइमर मींस के वो हर सेकंड के बाद चेंज हो रहा है। अब अगर आप फ्रंट एंड पे चाहते हैं कि वो आपके पास जो टाइम है वो हर सेकंड के बाद आपके फ्रंट एंड पे बिल्ट शो होता रहे, तो अगर आप सेट स्टेट यूज करते हैं तो व्हाट डज इट मींस, ये आपका फुल विजिट ट्री रीबिल्ड करता रहता है, व्हिच इज अगेन वेरी कॉस्टली। समटाइम्स अगर आप देखें तो आपका जो मोबाइल की जो रैम है या कैमरा के साथ जो पैक एंड की चिप्स लगी हुई होती हैं वो हीट अप हो जाती हैं इस वजह से। ठीक है, मैंने पर्सनली ये टेस्ट केस रन करके देखा और मैंने माइक्रो सेकेंड्स पे सेट स्टेट कॉल की थी, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप स्टक हो जाती थी, बट देन स्टेट मैनेजमेंट के साथ मैंने सेम केस रन करके देखा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक विजिट रीबिल्ड हो रहा है, तो एक विजिट रीबिल्ड इज नॉट कॉस्टली, रादर देन आप उस फुल विजिट ट्री को रीबिल्ड करें। तो ये थी इंपॉर्टेंस कि आप स्टेट मैनेजमेंट सीखें, कोई भी स्टेट मैनेजमेंट सीखें, ब्लॉक सीखें, गेटएक्स सीखें, प्रोवाइडर सीखें। तो गेटएक्स की बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है, बहुत ज्यादा डेवलपर्स यूज करते हैं और आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे सिखाएं, तो ये मैंने आप लोगों को अब दो केसेस सिखा दिए। ठीक है, मैंने आपको सिखाया फर्स्ट के गेटएक्स को यूटिलिटीज किस तरह यूज करने हैं, सेकंड स्टेट मैनेजमेंट आपको क्यों सीखनी चाहिए, और थर्ड गेटएक्स आपको क्यों यूज करना चाहिए क्योंकि वाइडली यूज और मोस्ट लाइक पैकेज है ऑन pub.get। ठीक है, कम्युनिटी में इसको बहुत पसंद किया जाता है। नाउ थर्ड चीज आ जाती है कि मैं आपको ना एग्जांपल्स के थ्रू गेटएक्स को सिखाऊंगा। जिस तरह अगर आप प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट मेरे कोर्स से फेमिलियर हैं तो उसमें मैंने आपको सिखाया था, प्लेलिस्ट है, जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था स्टेप बाय स्टेप कि हम एक एग्जाम्पल करते थे, ठीक है, विद सेट स्टेट, और उस एग्जाम्पल को फिर हम स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू करते थे। सिमिलरली हम गेटएक्स के केस में भी ऐसे ही करेंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाना सिखाऊंगा विद सेट स्टेट एंड देन मैं आपको उसको गेटएक्स के अगेंस्ट कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। हम एटलीस्ट 8 to 9 एग्जाम्पल्स करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अबाउट गेटएक्स। मैं आपको APIs के बारे में बात कर रहे थे कि APIs इंटीग्रेट करवाना सिखाऊंगा ना, APIs इंटीग्रेट करना सीख लिया आपने, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको मैंने थीम चेंज करवाना सिखा दी और बहुत सारे मैंने आपको एग्जाम्पल सिखा दी। अब लास्ट स्टेप ये है कि हम एक प्रॉपर MVVM आर्किटेक्चर में गेटएक्स के साथ एक एप्लीकेशन बनाएं, जिस तरह प्रोवाइडर ने सिखाया था वो भी सिखाऊंगा और वो हमारे प्रोजेक्ट का फिर एंड होगा। ठीक है, तो ये है गेटएक्स का रोड मैप, आप लोगों को मजा आएगा, जस्ट लाइक प्रोवाइडर सीरीज एंड यू गाइस विल लव इट। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसको सीखेंगे और ये था रोड मैप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है,
इसके अलावा आप मेरी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। क्योंकि द रीजन इज जब आप इस MVVM आर्किटेक्चर वाला जो भी आप स्टार्ट करेंगे ना, तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम में स्टक होंगे क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स, उसमें चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। देन आप लोग स्टक हो जाएंगे, यूट्यूब पे कमेंट करेंगे, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप कम्युनिटी में आके मैसेज करें या आप अपना स्क्रीनशॉट वहां पर पेस्ट करें, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि इस गैलेक्सी प्लेलिस्ट को वॉच कर रहे होंगे वो आपकी हेल्प डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे तो मैं तो जरूर करूंगा। ठीक है, सो आपने फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, लिंक्डइन के ऊपर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज योर होस्ट आसिफ ताज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।